और मुझे लगता है कि शायद ये लाइन सुनकर आप मुझे भी दलाई लामा वाली कंट्रोवर्सी में खड़ा कर सकते हैं, या फिर आप मुझे दलाई लामा का एजेंट भी कह सकते हैं, जबकि ये एक फैक्ट लाइन है, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में, आई एम शुभम बिदियू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दलाई लामा की अतीत से लेकर आज तक की जो कंट्रोवर्सी है उसे जानने वाले हैं। तो ये एक कंप्लीट क्लास होगी और यहाँ पर हम सभी बातों को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम चर्चा के मुख्य आधार की बात करें तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो होगा कि दलाई लामा ने कब कब भारत विरोधी भाषण दिया है, बातें बोली हैं, उसको जानेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा कि इनकी जो पुरुषवादी धारणा है उसके बारे में जानेंगे। और तीसरा, जो कि आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विवाद का बिंदु बना है, वो यही है कि जो जीभ निकालने वाली बात है वो अश्लीलता के अंतर्गत आ रही है या फिर एक संस्कृति है जो कि इनके सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि जो जीभ निकाल कर एक तरीके से लोग अभिवादन करते हैं वो बातें कहाँ से शुरू होती हैं, उसका इतिहास क्या है, उन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आम बातें सभी लोग बताते हैं लेकिन इस टॉपिक पर सबसे खास बात शायद आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा। तो ये काफ़ी सटीक, प्रामाणिक और काफ़ी डीप रिसर्च का वीडियो है जिसमें कि हम सभी बिंदुओं को सटीकता और प्रामाणिकता के साथ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, यहाँ पर मैं वीडियो नहीं लगा रहा हूँ। The 89-year-old Dalai Lama in Dharamshala kissing a young boy on the lips and then asking him to suck his tongue. आप वो वीडियो देखे ही होंगे या फिर किसी भी न्यूज चैनल पर आप देख सकते हैं। तो वो जो वीडियो वायरल है उसके कारण ही यहाँ पर विवाद शुरू हुआ है। तो जिसमें तिब्बतियों के 87 वर्षीय आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है, को एक सार्वजनिक तौर पर, जैसे कि एक मीटिंग हो रही थी वहां की यह घटना है, तो बताया जा रहा है कि सार्वजनिक रूप में एक छोटे से बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार करते हुए दिखाया गया है और इसी के कारण यहाँ पर विवाद पैदा हो गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, यह पहला मामला नहीं है, अर्थात दलाई लामा से जुड़ा यह पहला मामला नहीं है कि जब कोई कंट्रोवर्सी शुरू हुई हो। इनसे बहुत सी ज़्यादा कंट्रोवर्सियां अतीत में भी हो चुकी हैं, इन्होंने जिस तरीके से बातें बोली हैं जिसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उन्हीं सभी विवादों के बारे में आज हम विस्तार में जानने वाले हैं। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि दलाई लामा ने अतीत में ऐसे कुछ कार्य किए हैं और ऐसे कुछ बयान दिए हैं जिन्होंने विवाद को जन्म दिया है, जिसके कारण इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है और इन्हें एक पुरुषवादी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। किसने? इनके कार्यों ने और इनके बयान ने। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इन्होंने जो ये कृत हुआ इसके बाद माफ़ी भी मांगी। तो बताया जा रहा है कि दलाई लामा के कार्यालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि परम पावन लड़के और उसके परिवार से माफ़ी चाहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम सेकेंड कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने 2015 में एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को और यहाँ पर दलाई लामा ने कहा कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं या दलाई लामा का अगला पुनर्जन्म एक महिला हो सकती है, लेकिन वह बहुत आकर्षक होनी चाहिए, नहीं तो उसे के चेहरे को कोई देखेगा नहीं। इस तरीके का इन्होंने बयान दिया था जिसके कारण इस टिप्पणी के कारण बहुत से लोग नाराज हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी आलोचना हुई थी। महिला तक की बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि वह बहुत आकर्षक होनी चाहिए नहीं तो उसके चेहरे को कोई नहीं देखेगा, तो अगर कोई व्यक्ति सांवला है, कम आकर्षक है, भद्दा चेहरा वाला है, तो इस तरीके से तो आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। और इसके साथ साथ एक और यहाँ पर तीसरी कंट्रोवर्सी शुरू होती है कि जून 2019 में जब एक अन्य पत्रकार ने दलाई लामा के रूप में एक महिला के पुनर्जन्म की संभावना के बारे में इनकी पिछली टिप्पणी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा था कि अगर वह आकर्षक नहीं थी तो मुझे लगता है कि लोग उसे, मतलब उस महिला को, वह चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बताई। तो जो इन्होंने लाइन पहले कही थी उसी का समर्थन दोबारा भी किया 2019 में, और ये जो बात थी ये 2015 की थी जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। दोस्तों, अब आइए जानते हैं तीसरी कंट्रोवर्सी के बारे में। तो बताया जा रहा है कि अगस्त 2018 में दलाई लामा ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों से कहा कि जवाहरलाल नेहरू का
आत्म केंद्रित रवैया था और इसी कारण इनका कहना है कि जो इनका आत्म केंद्रित रवैया था इसी कारण मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सका। और इसके बाद ये जो टिप्पणी इन्होंने कही तो इसके बाद इनके कार्यालय ने फिर से माफी मांगी। इसके साथ साथ जो फोर्थ कंट्रोवर्सी है वो है कि दलाई लामा ने अप्रवासियों के बारे में टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि यूरोप यूरोपियों का है और ये शायद भूल गए कि ये किसी दूसरे देश से आकर किसी देश में मीन्स अपने भारत में रह रहे हैं जबकि दूसरे व्यक्तियों के प्रति कैसी बातें बोल रहे हैं, जिसके कारण इनकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। इन्होंने कहा कि यूरोप जो है वह यूरोपीय लोगों का है तो इस तरीके से तो माइग्रेशन पर यही ये प्रतिबंध टाइप का लगवा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें प्राप्त करें, आगे इन्होंने कहा कि उन्हें प्राप्त करें, उनकी मदद करें, उन्हें शिक्षित करें, लेकिन अंततः उन्हें अपने देश का विकास करना चाहिए, ऐसी टिप्पणी इन्होंने की थी। और बयान में कहा गया कि दलाई लामा भौतिकवादी वैश्विकृत दुनिया के बीच विरोधाभासों की गहरी समझ रखते हैं। दोस्तों यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी होता है, मनुष्य जात का विज्ञान, तो वहां पर हम कई जनजातियों का अध्ययन करते हैं और उसमें से एक जनजाति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह सम्मान में एक दूसरे के ऊपर थूकती हैं। मतलब जैसे कि अगर हम मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं या फिर इस तरीके से अभिवादन करते हैं, तो उनके यहाँ क्या चलन है कि वे सम्मान में एक दूसरे के प्रति अगर आदर व्यक्त करना है, अभिवादन व्यक्त करना है, तो वे एक दूसरे के ऊपर थूकते हैं और यहाँ पर अगर इस तरीके की घटना हो जाए तो मारपीट हो जाए, मारपीट क्या गोली चल जाए, ठीक। लेकिन वहां पर ये क्या है, संस्कृति है। और मुझे लगता है कि शायद ये लाइन सुनकर आप मुझे भी दलाई लामा वाली कंट्रोवर्सी में खड़ा कर सकते हैं या फिर आप मुझे दलाई लामा का एजेंट भी कह सकते हैं, जबकि ये एक फैक्ट लाइन है, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप गलत समझे। मेरा उद्देश्य किसी का विरोध करना अथवा किसी का समर्थन करना नहीं है। जो सटीक बातें हैं, जो प्रमाणिक बातें हैं, जो अध्ययन की बातें हैं, जो डाटा है, जो फैक्ट है, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो अब चलिए शुरू करते हैं, जो जीभ निकालने वाली बात है वो अश्लीलता है या फिर कल्चर है, इसके बारे में क्या बातें हैं, इसको हम काफी डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज यूसी बारकेल की एक रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक तिब्बती संस्कृत में अपनी जीभ बाहर निकालना सम्मान या सहमति का प्रदर्शन है और अक्सर अभिवादन के रूप में यह किया जाता है। तो ये बात जैसे कि इन्होंने जीभ निकाली तो इसका जो इनके सपोर्टर हैं वो यही तर्क दे रहे हैं कि यह एक तिब्बती संस्कृति का हिस्सा है और यहाँ पर रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। और बताया जा रहा है कि एक फिल्म आई थी सेवन ईयर्स इन तिब्बत में ब्रैड पिट का चरित्र जो है वो तिब्बतियों के एक समूह को दिखाता है जो एक ही समय पर अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं। और इसके जो ये जो रिवाज है इसके इतिहास के बारे में अगर हम जाने, जैसे कि यहाँ पर क्या था कि जो फैक्ट थे, जो रिपोर्ट थी वो मैंने बताया, अब जो यहाँ पर कपोल कल्पित कहानियां या फिर इतिहास की बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि 9वीं शताब्दी के एक दुष्ट तिब्बती सम्राट लैंग दर्मा को काली जीभ वाला बताया गया था। वो जो दुष्ट राजा था, सम्राट था, उसकी जो जीभ थी वह काली थी, तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो तिब्बती हैं वो बौद्ध हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और चिंतित थे कि वह राजा का पुनर्जन्म हो सकता है। जैसे कि जो राजा है इनका क्या है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और वो राजा फिर से आ सकता है, काली जीभ वाला, गौर कीजिएगा। इसीलिए यहाँ पर जो एक रिवाज शुरू हुआ इसके परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप रिवाज कौन सा शुरू होता है, यहाँ पर शुरू होता है कि तिब्बतियों ने अपनी जीभ बाहर निकालकर पीढ़ियों से एक दूसरे का अभिवादन किया। मतलब कई पीढ़ियां बीत गई ये इसी तरीके का अभिवादन करते हैं। इसके पीछे का यही कारण है कि ऐसा करके वह इस बात को साबित करते हैं कि उनकी जीभ काली नहीं है और वे दुष्ट कार्य के दोषी नहीं है और जो दुर्भावनापूर्ण राजा था वह उसके अवतार भी नहीं है, क्योंकि इन्हें चिंता थी किस बात की कि वो जो राजा है वो पुनर्जन्म में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये बात जो अतीत वाली है इसे प्रेजेंट से अगर मैं कनेक्ट करके और अच्छे से बताऊं तो यही बात दलाई लामा ने कही कि मेरा जो पुनर्जन्म हो, अगला जन्म हो, वो किसी महिला के रूप में हो लेकिन वह आकर्षक होनी चाहिए। तो थोड़ी सी अटपटी बात थी। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो आजकल जो तिब्बती लोग मिलते हैं तो वो इसी रिवाज को, इसी प्रथा को दोहराते हैं, तो वे अभिवादन के रूप में संक्षिप्त रूप से अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि वे अपनी जीभ को उतनी दूर तक
या उतनी देर तक नहीं फैलाते कि जितना कि फिल्म में दिखाया गया है। अपनी जीभ बाहर निकालने का उपयोग समझौते के साथ साथ अभिवादन के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी सटीक और प्रामाणिक लगी होगी और वीडियो में कही गई सभी बातें तथ्यपरक हैं। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी वर्ग विशेष या किसी धर्म विशेष के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं करना। केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बनाया गया था। जो बातें थी, जो कंट्रोवर्सी थी, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सबको मैंने बता दिया। अगर यह जानकारी रोचक लगी हो, अगर आपको लगा हो कि एक 20 साल का युवक काफी मेहनत से वीडियो बना रहा है, काफी सटीक बातें बता रहा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।